ओपीएस को लेकर भी कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कौन सी कलम थी जो कांग्रेस से समाप्त की थी। ये देश के हित में नहीं है, कांग्रेस को लग रहा है कि यही मौका है, ओपीएस को कोई भी सरकार लागू नहीं कर सकती। ये बड़ा बयान कंवरपाल गुर्जर की तरफ से दिया गया। ओपीएस के बारे में जो भी बात उठी, अभी नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो सरकार बढ़ते ही पहली कलम से वो उसको लागू कर देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा वह कौन सी कलम थी, वो पहली दूसरी तीसरी कौन सी थी जिससे समाप्त करी थी। हमने समाप्त नहीं की, इन्हीं की सरकार ने इसको समाप्त किया था। इन्हीं की जो माननीय प्रधानमंत्री थे, जिनको ये मान्यता है कि दुनिया के जो इकोनॉमिक्स के बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने कहा कि स्कीम को चालू नहीं रखा जा सकता, ये देश के हित में नहीं है और देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। उनके ही सहयोगी जो सलाहकार है मनटेक सिंह अहलूवालिया, अभी 10 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि इसको लागू नहीं किया।